उनको खत्म कर दिया गया था सो आफ्टर टू थाउजेंड नो फाइव प्लान सो नाइन नाइन जनरल परवेज मुशरफ ही इम्पोज लॉ और जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी वो खत्म कर दी गई सो जनरल परवेज मुशरफ का जो नौ साल टेन्योर था जो नाइन ईयर जनरल परवेज मुशरफ स्टेट इन पाकिस्तान उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो पेस थी जो स्पीड थी डेट वॉज सेमिक डिवेलपमेंट सात परसेंट तक इंक्रीज की इन नौ सालों में 2008 में इलेक्शंस हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोलिटिकल पार्टी सैदुफ रजा गिलानीम दाइमर वैन सैद यूसुफ रजा गिलानीम दिन ऑफ द गेंट इन इज हैंड और इन्होंने वो कोशिशें शुरू की जिससे मीशत को थोड़ा स्टेबलाइज किया जाए इम्प्रूव किया जाए सो ही स्टार्ट टू वर्क फॉर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट बट हाउ एवर डू वेरियस रीजन एट द एंड He did not succeed. So generally जो economic development थी, economy वहीं रही. अगर नीचे नहीं गई, तो मज़ेद ऊपर भी नहीं जा सकी. So this period did not bring in about a lot of economic development. हाँ, जो 9 साल till 2008 जब तक General Pervez Musharraf रहे, तब तक economic development की pace was 7%, which was far more than the earlier years. Moving on, we have the eighth period. Eighth period is from 2010 to 2020, as we earlier mentioned. K PPP won the majority, or the general president Musharraf's government. Thi wo change okay the Pakistan People's Party became the empowering government. So after 2010, jo major changes were that load shedding increased, but economic development did not. So the overall इम्प्रेशन आया वो ये आया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या एनर्जी सेक्टर में कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आ सकी जब इंप्रूवमेंट नहीं आ सकी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसको cater करने के लिए एनर्जी कट डाउन करने पड़े ताकि ऑल द एरिया प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी सो लोड शेडिंग बढ़ गई जिससे जो नेशन है वो काफी अफेक्ट भी हुई लेकिन हाउवर एट गवर्नमेंटल लेवल कुछ चेंजेस अच्छे भी हुए वो ये थे कि सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर इंक्रीज्ड उसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया हक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ये वो दो प्रोग्राम्स थे विच वर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ द वुमेन सो बेनज़ीर सो दिस प्रोग्राम वॉज एम्ड एट हेल्पिंग द दुमेन गिविंग दम प्रोटेक्शन तहफ़ उनके तहफ़ के लिए और उनके हकूक के लिए ये प्रोग्राम ऐसे थे जिन्होंने उनकी बेटरमेंट के लिए काम किया फिर आया टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन के इलेक्शन में मुस्लिम लीग वॉन द मेजोरिटी मुस्लिम लीग वॉट चेंजेस टू प्लेस जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले थ्री पॉइंट सेवन परसेंट पे थी इट केम टू फाइव पॉइंट फाइव थ्री परसेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर वो जो था वो अर्लियर पिछले में सेवन पीरियड में इट केम अपू पॉइंटेंट वो थ्री पॉइंट एट परसेंट पे आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर फोर पॉइंट फाइव से फाइव पॉइंट एट सेक्टर पे आ गया फाइव पॉइंट एट परसेंट पे आ गया सो so, ये जो थी ये ग्रोथ थी अंडर मुस्लिम लीग आफ्टर टू थाउजेंड थर्टीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस और उसमें जो है चेंजेस भी आए हाउ एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था वो ये आया कि जो एक्सटर्नल डेट है वो इंक्रीज कर गया सो द एक्सटर्नल डेट ऑन कंट्री मतलब मुल्क पे जो कर्जे थे वो बढ़ गए आफ्टर 2018 इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजोरिटी इमरान खान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर सिंस टू इमरान खान गवर्मेंट इज वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव द इकॉनमी

इतने सारे सालों में ओवर पास्ट सेवेंटी प्लस पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के साथ साथ प्रोग्रेस भी किया है पाकिस्तान ने अपने आप को एक अंडर डिवेलप कंट्री से एक डेवलपिंग कंट्री में भी कन्वर्ट किया है और अब पाकिस्तान इज मजीद वर्किंग के अब एक डेवलपिंग कंट्री से पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाएवर इट्स गोइंग टू टेक टाइम लेकिन लेट्स ऑफ इकॉनमी सो द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी तीन चीजों पर बेस करती है एक्सेलेंट एग्रीकल्चर मिनरल्स एंड इंडस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिनरल्स से वाई फाउंड इन दर्थ क्रस्ट और इन पाकिस्तान ने पाकिस्तान के पास इन मिनरल्स का इन मादनियात का बहुत ज्यादा जो है वो रिजर्व है वो अल्लाह का दिया हुआ है अल्लाहटी पाकिस्तान मिनरल्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम पेट्रोलियम की इम्पोर्टेंट एज द नेम सजेस्ट आप खुद समझ ही गए होंगे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम को प्रोसेस किया जाता है ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में काफी सारी हैं। उनमें पेट्रोल को प्रोसेस करके उससे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं वैक्स कोल्टा ये वो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम को प्रोसेस करके निकाले जाते हैं और इनके भी आगे बहुत सारे यूज हैं दे आर नॉट ओनली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन यूजेस के एज अ फ्यूल इन वेहीकल दे आर यूज एज फ्यूल इन मेनी अदर थिंग्स प्लस ऑयल एंड गैस डिवेलपमेंट कारपोरेशन ये वो कॉरपोरेशन है जो पाकिस्तान में डिवेलप की गई और इसकी डिवेलपमेंट के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम की और ऑयल की जो एक्सप्लोरेशन है कि ये वी नीड टू फाइंड आउट कितने रिजर्व हैं पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ा पेस्ट पकड़ गए थोड़ी डेवलपमेंट बढ़ गई पाकिस्तान में पेट्रोलियम के जो या ऑयल के वेल्स या जो रिजर्व हैं वो पोटो आर प्लेटों में बहुत ज्यादा हैं दे आर सर्टन एरियाज इन पोर्टोर प्लेटो एंड सर्टन एरियाज ऑफ सिंध

पाकिस्तान में इसके बहुत सारे रिजर्व मौजूद हैं पंजाब बलोचिस्तान सिंध तीनों सूबों में बहुत सारी डिफरेंट एरियाज में आपको जो है वो नेचुरल गैस जो है वो मिलेगी और ये नेचुरल गैस अपनी जगह से पाइप के थ्रू थ्रू आउट द पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट की जाती है जिसकी वजह से आप अपने घर का चूल्हा जला सकते हैं आपके अपने घर में गीजर जला सकते हैं आप अपने घर में उसको और भी बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उससे आप हीट प्रोड्यूस करके फर्दर उससे भी मजीद काम लिए जाते हैं

देन, डोमल निसार एंड चिलगाजी, ये वो मेन रीजन हैं जहां पे आयरन और पाई जाती है प्रॉब्लम ये है कि सिंस ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी नहीं है इन एरिया से तो आयरन और यहां से ट्रांसपोर्ट करके यूज नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉफिटेबल मिनरल सोर्स नहीं समझी जाती देन वी कम टू कोल कोल अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बर्नेंटली फाउंड मिनरल है पाकिस्तान का इट इज एन इम्पोर्टेंट एंड एंश सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि कोल को जला के जो है वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है जिससे हम अपने और बहुत सारे काम करते हैं बेकिंग ब्रिक्स डोमेस्टिक खाना पकाने के लिए पानी गर्म करने के लिए कोल एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और ये पंजाब सिंध और बलोचिस्तान तीनों सूबों में बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है चीप सोर्स भी है इजीली बाइबल भी है

इसके अलावा कालाबाग और वार्चा में भी ये पाया जाता है सी सॉल्ट सी सॉल्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बलोचिस्तान एंड कराची इसको हम मकरान कोस्ट से बलोचिस्तान से लेते हैं एंड देन फ्रॉम कराची वी गेट इट फ्रॉम देयर और इसकी यूजेज बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में और फूड में कुकिंग में आती है दैट इज वे वी यूज देम क्रोमाइट क्रोमाइट की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि क्रोमाइट को यूज करके स्टील बनाया जाता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जब यह यूज होती है और स्टील क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टील कंस्ट्रक्शन का और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बेस है आप कोई भी इक्विपमेंट ले लो स्टील से बना है आप कोई भी मेजर मशीनरी पिकअप कर लो स्टील से बनी है सो यस क्रोमाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज इन द मैनुफेक्चरिंग ऑफ स्टील ट्वेंटी फाइव लार्ज रिजर्व ऑल ओवर पाकिस्तान पच्चीस बहुत बड़े रिजर्व क्रोमाइट के पाकिस्तान में पाए जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ये वो मेजर सूबे हैं जिनके बहुत सारे इलाकों में यू कैन फाइंड क्रोमाइट इट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है सो इट सपोर्ट्स आर इकोनॉमी इन सेंस वेयर इट इज यूज फॉर एक्सपोर्ट एज वेल जिप्सम जिप्सम के यूजेस बहुत सारे हैं जिप्सम एक ऐसी मिनरल सोर्स है विच इज चीप बट इट इज यूज इन अलॉट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री में भी यूज होती है लाइक यू कैन सी फॉस्फेट फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज होगा सिमेंट सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन पेपर ऑब्वियसली योर एजुकेशन सेक्टर योर ऑफिस एवरी वन प्लास्टर ऑफ पैरिस कंस्ट्रक्शन अगेन सिल्फ्यूरिक एसिड सिल्फ्य एसिड को तो अपने भी बहुत सारे यूजेज हैं जहां ये पेंट डाई पॉलिश फर्टिलाइजर केमिकल वहां यूज होते हैं पेंट एंड पॉलिशर सेल्ड इंपॉर्टेंस के रिजर्व भी बहुत सारे हैं पाकिस्तान में ये अबर्न फॉर्म में पाया जाता है अब बाकी देर आर थ्री मोर मिनरल विच वी नीड टू डिस्कस उसके लिए हम पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं okay. द remaining थ्री आर limestone, marble मार्बल एंड सल्फर लाइम की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि लाइमस्टोन एक तो अबांडेंस में बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और दूसरा उसके यूजेज बहुत सारे हैं लाइमस्टोन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में सोप मेकिंग में पेपर सीमेंट स्टील ब्लीचिंग पाउडर पेंट लाइम सोडा ये वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइम को यूज करती हैं लाइम स्टोन इज बेसिकली फाउंड इन नदन इन वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान ये भी एक चीप मिनरल है बट इज़ अ वेरी यूजफुल मिनरल देन वी कम टू मार्बल मार्बल इज अ मिनरल बट इट इज यूज टू बिल्ड द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ बिल्डिंग इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर अवेलेबल है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव करती है एडवांस करती है इसमें मजीद चेंजेस आती जाती, जाती है इट इज यूजली फाउंड इन नदन एर वेयर हाईलाइटिंग मर्दान सवात हजारा इन गिलगेट ये वो एरियाज हैं पाकिस्तान के नदर जहाँ मार्बल एज अ मिनरल आपको आसानी से मिलता है उसके बाद इसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस किया जाता है फिर प्रोसेस करके इसको जो है वो वॉल्स या फ्लोर्स में लगाया जाता है सल्फर सल्फर इज मिनरल जो अबंडेंस में में पाकिस्तान है और इसके भी बेतहाशा इट इज अ वेरी यूजफुल मिनरल स्टार्टिंग विद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन केमिकल पेंट्स कलर्स और ये मेनली बलोचिस्तान के बहुत सारे एरियाज में पाया जाता है राइट द दैप यूर सींग ऑन योर स्क्रीन shows you the distribution of different minerals within different locations of Pakistan. ये मैप आपको वो different minerals जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं उनकी लोकेशन शो करेगा ये पाकिस्तान में किस किस जगह पाए जाते हैं So here students, we end the minerals जो कि पाकिस्तान में मेनली पाए जाते हैं और जिनसे बहुत सारे यूजेस जो, जो इंडस्ट्री में या जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इन इकोनमी या नेक्स्ट जो सेक्टर है दैट इज एग्रीकल्चर उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज